सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ का वर्अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो हमारी फाइनेंस इन बोल्ड, इसका जो सब हेडिंग है, ये हमारी वेबसाइट है जो अच्छा खासा क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ अपलोड करती है अपने वेबसाइट पे। सो बेसिकली इसका तो मैंने फंडामेंटल बता दिया है आपको, वेबसाइट का थोड़ा सा ही है, डिस्क्रिप्शन दिया है। सो बेसिकली जो यार हमारी आज की जो पहली न्यूज़ है ना, वो निकल के आती है हमारी बिटकॉइन के रिलेटेड। सो ये एक मार्केट अपडेट न्यूज़ होगी। सो इस जो न्यूज़ में बताया गया है, जो क्रिप्टो कम्युनिटी सेट्स बिटकॉइन प्राइस फॉर September 30, 2022 सर्वे। सो गाइस, जो बड़े बड़े हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाले होते हैं, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया है जो कि क्रिप्टो कम्युनिटी के रिलेटेड है, कि बिटकॉइन का प्राइस September 30 तक कहाँ तक जा सकता है। ओके, देन यार इस न्यूज़ में हम थोड़ा सा डीपली बढ़ते हैं इस न्यूज़ को पूरा। After initially showing signs of breakout, Bitcoin BTC has been beginning to display bearish sentiment, with the flagship of cryptocurrency facing a renewed battle to sustain its price above 20,000. So basically guys, इसमें यह बताया गया था कि अगर हम एक से दो हफ्ते पहले देखें, तो बेसिकली एक हफ्ते पहले तो हमने उसमें देखा था यार बिटकॉइन में रिवर्सल ब्रेकआउट आया था, देन यार बहुत गंदा बियरिश मूवमेंट देखने को मिला उसमें, बेसिकली रिवर्सल ब्रेकआउट था। तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि ये जल्दी से रिकवर करेगा, बेसिकली एक वॉलीटिलिटी आ रखी है मार्केट में। ये जो अगस्त टू सितंबर है, 15 सितंबर से अगस्त जो आज की डेट चल रही है ना, इसके अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आ रखी है मार्केट में। सो आने वाले टाइम पे यार बिटकॉइन में एक अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को हम मिल सकता है, बेसिकली न्यूज़ में यही बताया गया है। और इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। नोटेबली द एसेट्स इज कमिंग ऑफ 2 months रैली डेट क्लूमिनेटेड इज प्राइस टॉपिंग $250,000 एंड इन्वेस्टर्स नाउ आर फोकस ऑन द क्रिप्टो नेक्स्ट टारगेट प्राइस। सो बेसिकली जो यार इसमें इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसमें कहा है कि यार $25,000 तक हमारा प्राइस है पहुंच सकता है सितंबर तक, सर्वे कंडक्ट में यही बताया गया है। ओके, देन और पढ़ लेते हैं इसको। इन दिस लाइन द क्रिप्टो कम्युनिटी ऑन कॉइन मार्केट प्रेडिक्ट्स दैट बिटकॉइन विल बी सर्ज बाय 36.75% फ्रॉम द करंट वैल्यू टू एंड ट्रेड एन एवरेज ऑफ 29,346 बाय द एंड ऑफ September 2022। सो गाइस, बेसिकली इस न्यूज़ में ये बताया गया, जो हमारा BTC है वो हमें बेसिकली जितना मोटा मोटा $29,346 तक मिल सकता है एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, देन हम बात करें एंड ऑफ वीक ऑफ सेप्टेम्बर में हमें $29,000 तक का ये दिख सकता है BTC का प्राइस। तो हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम पे बिटकॉइन में, अभी तो मार्केट देखे तो वॉलेटिलिटी चल रही है, बेरिश और बुलिश पीपल दोनों ही आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट में। सो काफ़ी ट्रेडर्स वगैरह इसमें लॉस कर रहे होंगे, बेसिकली मैंने भी यार थोड़ा बहुत लॉस करा है, इतना ज़्यादा कुछ लॉस नहीं करा है वो, तो मैं बता देता हूँ उसके लिए यार, मैं ऑप्शन में थोड़ा लॉस करा है तो चलता है इतना लॉस। तो $29,346,000 तक हमें इसमें प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, देन यार जो हमारी अगली न्यूज़ आती है वो इथेरियम के रिलेटेड है। तो इथेरियम का भी सर्वे कंडक्ट करा गया है क्रिप्टो कम्युनिटी के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया है यार एंड ऑफ सितंबर तक हमें $22,000 के अबव इथेरियम का प्राइस देखने को मिल सकता है यार। लेकिन आप जानते हो क्रिप्टो कम्युनिटी थोड़ी वॉलेटिलिटी है, हाई रिस्क एंड रिवार्ड गेम है। सो बेसिकली मुझे तो ये लगता है, मेरी जो प्रेडिक्शन ये है कि $2,000 से तो हमें अबव ही देखने को मिल सकता है इथेरियम सेप्टेम्बर के वीक में। ओके, सो इस न्यूज़ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द क्रिप्टो मार्केट इज एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी एज इट स्ट्रगल टू होल्ड अबव द 1 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल। सो गाइज, मैंने बेसिकली आपको ये बता दिया है कि मार्केट अभी वॉलेटिलिटी में चल रही है, ठीक है, और ये स्ट्रगल कर रही है मार्केट कि ये 1 trillion मार्केट कैप तक ये टिकी रहे, ठीक है, 1 trillion से अभी अबव टिकी रहे। सो हमने अभी देखा यार CMC पे भी चलेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वहाँ देखेंगे यार मार्केट कैप हमारी 1 trillion की
ट्रिलियन की तो है ना, या फिर उससे नीचे की, ठीक है, पूरा भी एनालिसिस करेंगे। तो इस न्यूज़ को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एट द सेम टाइम द सेकेंड लार्जेस्ट एसेट्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इथेरियम इज ऑल्सो एक्सपीरियंस टर्बुलेंस एज इट्स वेट्स अ लॉन्ग वेटेड मर्ज अपग्रेड। सो बेसिकली गाइस, इस न्यूज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ हो रहा है इस आर्टिकल में, जो बताया गया है कि यार आप जानते हो इथेरियम का एक से दो महीने पहले ही बात चल रही है कि इथेरियम में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। मर्जिंग की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि इथेरियम का जो अब फंडामेंटल है, इसका जो ब्लॉकचेन है, वो बेसिकली अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में जो हमारी ट्रांजेक्शन स्पीड थी वो बहुत लो थी। सो उसी को इन्होंने अपग्रेड करा है मर्जिंग के रिलेटेड, ठीक है। हमारे जो विटालिक ब्रूटन है ना, उन्होंने ऐसा करा है कि अब इसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें हमें जो इसका प्राइस है, इसमें हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है इथेरियम में, ओके। सो यार कुछ कुछ तो सर्वे ये भी कंडक्ट हो रहा है कि एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक 2100 डॉलर्स तक से अबव ये जा सकता है, ठीक है। तो यार सबकी अपनी अपनी प्रेडिक्शन है। सो मेरी भी प्रेडिक्शन यही है कि 21,000 से तो हमें ऊपर देखने को मिल सकता है अभी इथेरियम, ओके। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड मैंने आपको बताई है, बिटकॉइन एंड इथेरियम। और ओवर द अगर हम 20,000 क्रिप्टो करेंसीज को देखें तो इथेरियम और जो बिटकॉइन है ना, ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैप कवर करता है ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ओके। देन यार अब हम CMC पे चलते हैं और करते हैं आज का अपना चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कॉइन का प्राइस अभी क्या चल रहा है। देन मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा, TA करेंगे इसका, ठीक है। देन पता लगाएंगे यार अभी मार्केट में ऑलरेडी चल क्या रहा है, ओके। सो गाइस बेसिकली जो आज ग्लोबल मार्केट कैप इज़ 1.03 ट्रिलियन, ठीक है। तो 1.03 ट्रिलियन के करीब मार्केट हमारी चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है यार ये बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर रहेगा मार्केट, तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ओके। एंड 1.2100 के करीब हमें लास्ट डे के करीब इसमें प्राइस अब देखने को मिल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं BTC की। तो BTC का जो प्राइस चल रहा है 21,428 सेंट्स डॉलर के करीब चल रहा है एंड 0.38% मार्केट अप है। सो बेसिकली कह सकते हैं यार आज के 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो मार्केट में इतना अच्छा हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। वैसे तो बेरिश लोग ज़्यादा हावी है मार्केट पे, तो देखो यार आने वाले टाइम पे अब क्या होता है, बुलिशनेस आती है या फिर बेरिशनेस बनी रहती है मार्केट में। सो इथेरियम का जो प्राइस चल रहा है 1634.89 सेंट्स डॉलर के करीब चल रहा है। सो 3.56 मार्केट कैप है इसकी। मार्केट का ग्रोथ देखने को मिली है हमें 24 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। देन यार इसमें भी हमें डल बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बेसिकली कंसोलिडेशन देन डल ट्रेंड देन फिर कंसोलिडेशन। सो ये डल कंसोलिडेशन ट्रेंड के अंदर आता है डल बेरिश ट्रेंड, ओके। देन यार जो अगले कॉइन की बात करते हैं, ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैं बता रहा हूँ। BNB का प्राइस चल रहा है 297 डॉलर्स के करीब, 0.01% मार्केट अभी BNB की। यार BNB भी बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो, ये ओके। अगर देखें तो 1 से 4 ईयर्स के अंदर देखें तो यार समथिंग बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दे रखा है, ओके। तो जो नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात करते हैं उसका नाम है XRP। सो गाइज XRP का प्राइस हमें अच्छा खासा अप देखने को मिल रहा है, 0.342 सेंट्स के करीब इसका प्राइस चल रहा है, 1.59% मार्केट अप है इसके XRP, ओके। देन कार्डानो की बात करी जाए तो यार 0.45 के करीब इसका सेंट्स के करीब प्राइस चल रहा है, 1.55% मार्केट अप है इसकी। देन ठीक है डल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ऑल ओवर जो मार्केट में देखें ना, तो यार वॉल्यूम और मार्केट आज दोनों की थोड़ी अच्छी खासी दिख रही है हमें, ओके। क्योंकि यार आज थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है, तो हम कह सकते हैं यार मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटीनेस आई है मार्केट में, ओके। देन मीम्स की बात करी जाए तो यार डोज का प्राइस 1.89% अप है, हम कह सकते हैं यार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को हमें मिला है इसके अंदर। देन शिबा इनू की बात करें तो यार शिबा इनू में भी 1.12% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आपने इसमें लॉन्ग करा होता फ्यूचर्स में जाते या फिर ऑप्शन बाय करा होता इंट्राडे के अंदर का, तो यार अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते आप, ओके। तो इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिली है। सो गाइस अब करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस, देखते हैं अब आगे का ट्रेड सिग्नल क्या बन सकता है हमारी मार्केट पे। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने BTC USDT पे। सो ये BTC USDT परपेचुअल ट्रेड्स का चार्ट है। देन यार इसके अंदर अभी हमें अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो यार कंसोलिडेशन कर रहा है 3 दिन के अंदर। एंड देन अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो ये ठीक है 4 से 5 घंटे के अंदर देखें तो एक न्यू रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। देन कंसोलिडेशन के बाद एक छोटी न्यू रेंज बना रहा है। अब इस न्यू रेंज में अगर रिवर्सल ब्रेकआउट आता है तो इसमें
एंट्री बना सकते हैं, रिस्क टू रिवार्ड अपने छोटे रख सकते हैं। अगर इम्पल्सिव मूव में रही तो फिर तो रिस्क टू रिवार्ड अपने बड़े रखेंगे, देन करेक्टिव मूव में आया तो यार छोटे रखने हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे इसलिए रखने हैं क्योंकि जो करेक्टिव वेव होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम में भी यार एक्यूमुलेशन देखने के बाद देन रीटेस्ट देखने को हमें मिल रहा है करंट पोजीशन पे, मैं बता रहा हूँ 3 से 4 घंटे के पहले पहले। ओके, तो यार इसमें क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अभी इसमें आपने ट्रेड लिया होता तो आप बने रहते और या फिर आप इसको एग्जिट भी कर सकते थे क्योंकि समथिंग इसने 1% का टारगेट तो बना दिया होगा। ओके, तो अभी इसमें कंसोलिडेशन होने दो, देन इसमें फिर से अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम रीटेस्ट के बाद इसमें सक्सेसफुली एंट्री कर सकते हैं। और अगर करेक्टिव वेव आता है तो टारगेट छोटा बनाएंगे, और अगर इंपल्सिव मूव आता है तो रिस्क टू रिवार्ड अपने बड़े रख सकते हैं। ओके, देन यार ये हो गई इथेरियम की बात। अब हम बात करते हैं XRP की। सो गाइस, XRP में यार हमें एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो अब इसके अंदर भी हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एज अ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको। सो इसके अंदर अभी क्या करना है, अभी हमें कंसोलिडेशन होने का वेट करना है। ओके, देन यार इसमें कंसोलिडेशन हो जाता है, वैसे तो कंसोलिडेशन इसमें हो रहा है लेकिन इतना अच्छा खासा हमें कंसोलिडेट मूव देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो इसका भी वेट करो यार कंसोलिडेशन होने का। ओके, देन यार हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन देने के बाद ये न्यू रेंज फॉर्मेशन भी कर सकता है। ओके, सो न्यू रेंज का भी अभी वेट करो यार, कंसोलिडेशन होने दो, कंसोलिडेशन होने के बाद इसका ब्रेकआउट का ही एंट्री बनाएंगे। ओके, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे देन एंट्री बनाएंगे। ओके, 0.3430 के करीब इसका यहाँ पे एंट्री करेंगे हम इसके, ठीक है। सक्सेसफुली एंट्री XRP की हमारी ये होगी। अगर मार्केट इंपल्सिव में जाती है तो रिस्क टू रिवार्ड बड़े रखना, और अगर यार छोटा मोटा करेक्टिव वेव आता है तो 1:1 या 1:2 तक का मिनिमम टारगेट आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो XRP में भी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ओके, सो ये XRP की बात हो गई है, सारा मैंने बता दिया इसका, ठीक है, TA बता दिए। एंड यार शिबा की बात करी जाए तो शिबा का तो एक बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। सो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को। तो यार सबसे पहले आप देखो मार्केट में बेरिशनेस आई, मार्केट गिरी, फिर एक कंसोलिडेशन मिला हमें 19 से 22 तारीख का तो हमें दिखा इसमें रेंज एक्सपेंडेशन, यानी कि एक बड़े रेंज में मूव कर रही है मार्केट। ओके, देन यार उसके बाद एक इनिशियल रेंज बनाई, यानी कि न्यू रेंज बनाई। अब इस न्यू रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें कहाँ पोजीशन इसमें बना सकते हैं। सो गाइस बेसिकली अगर इसका ये टारगेट टूटता है ना 0.00001281 का, तो इसके अंदर रीटेस्ट के बाद एंट्री करना, देन रिस्क टू रिवार्ड छोटे रख सकते हो। और अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है, इंपल्सिव आता है, करेक्टिव का बता दिया छोटे रखना, ओके, और अगर इंपल्सिव आता है तो रिस्क टू रिवार्ड बड़े रख सकते हो। देन यार सक्सेसफुली एंट्री के लिए अपने रिस्क टू रिवार्ड तो मैनेज रखना, देन इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। ओके, पोजीशन साइजिंग वगैरह तो यार मनी मैनेजमेंट तो आपको आता ही होगा, ठीक है। देन जो लास्ट कॉइन हमारा डोज कॉइन है, डोज कॉइन में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, देन इसके अंदर भी न्यू रेंज देखने को मिल रही है, न्यू रेंज फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो अभी इसमें क्या कर सकते हो गाइज, मैं बता देता हूँ, शिबा के अंदर थोड़ा वेट करो, शिबा में अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, ठीक है, 3-4 दिनों से, तो उसको अभी रहने दो क्योंकि उसमें यार हायर रिस्क हायर रिवार्ड वाला गेम हो जाएगा, ठीक है। और मैं इतना वैसा ट्रेडर नहीं हूँ कि तुम्हें इतना लॉस करवा दूंगा। तो न्यू रेंज इसके अंदर हो रही है, इसमें भी न्यू रेंज बन रही है, तो अब इसमें देखो यार अगर इसमें रिवर्सल आता है तो सक्सेसफुली रिवर्सल आने के बाद रीटेस्ट का वेट करके एंट्री कर लेना। ओके, क्योंकि यार करेक्टिव वे में ट्रेड रिस्क टू रिवार्ड छोटे बने जाते हैं, 1:1, 1:2 तक बना सकते हो। और अगर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो रीटेस्ट का वेट करना, इंपल्सिव मूव का बता रहा हूँ, बड़े टारगेट इसमें बुक कर सकते हो। सो गाइस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, डेली बेसिस पे चार्ट शेयर करते हैं वहाँ पे। सो वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके, जो मैंने बताया वही है, तो ओके, गुड बाय।